रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी शिकायत का मामला सामने आया है, जहां मन में दुर्भावना रख दूसरे के नाम से शिकायत लगा दी गई और हितग्राही का काम रुकवा दिया गया। आपको बता दें कि चांपा के वार्ड नंबर 25 में किसी दूसरे के नाम का प्रयोग कर हाईटेक और अजीबोगरीब फर्जी शिकायत करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें शिकायतकर्ता अपनी पहचान देने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, पता तथा फोन नंबर अंकित कर सारा का सारा मामला किसी दूसरे पर ठोकने का अनोखा प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि चांपा के वार्ड नंबर 25 में गोरेलाल यादव को 1998 में राजीव गांधी पट्टा योजना के तहत जमीन मिली है, जिसे वह वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेकर पक्का मकान बनवाया जा रहा है। गोरेलाल यादव के इस सरकारी लाभ प्राप्त योजना को इसी वार्ड तथा शायद इसी मोहल्ले के किसी व्यक्ति को यह सहन नहीं हुआ। वह सीधे रूप से शिकायत करने के बजाय किसी दूसरे का नाम, पता व पहचान का आधार बनाकर फर्जी शिकायत कर दी, जिससे गोरेलाल के मकान बनवाने की योजना को बाधित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में 26 दिसंबर को शिकायत करते हुए लिखा गया है कि गोरेलाल यादव के द्वारा अनुचित ढंग से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया जा रहा है। अज्ञात बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट्रेट को दिया गया शिकायती पत्र में अपने सही नाम और पते के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, जिसमें राजू साहू बरपाली चौकी चांपा का उल्लेख किया गया है तथा जो मोबाइल नंबर लिखा गया है वह मध्य प्रदेश रीवा का बताया जा रहा है, जिसके चलते राजू साहू इस फर्जी शिकायत से सकते में आ गया है और उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अनूठा तथा फर्जी ढंग से शिकायत करते हुए जालसाजी के क्षेत्र में एक नया कारनामा कर दिखाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू साहू ने बताया कि उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझे फर्जी ढंग से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और जबकि वह गोरेलाल यादव को जानता तक नहीं। इस फर्जीवाड़े का राजू साहू के द्वारा कलेक्ट्रेट तथा एसडीओपी पुलिस को जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा जांच करते हुए 27 दिसंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वीडियो फुटेज की जांच करते हुए अवलोकन प्रार्थी की उपस्थिति में करने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि जिले में हुआ इस अनूठे फर्जी शिकायत तथा कारनामे को प्रशासन किस तरह से लेता है और उस बुद्धिजीवी तथा फर्जीवाड़े में प्रकांड पंडित को किस प्रकार सामने लाया जाता है तथा उस पर किस प्रकार की कड़ी कार्यवाही की जाती है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी का नाम प्रयोग कर फर्जी शिकायत ना करने पाए। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। यह गोरेलाल यादव जो है प्रधानमंत्री आवास योजना उसको मिला है, जबकि उसका घर जो है मंझली तालाब वार्ड नंबर 25 में है और मेरा जो घर है वार्ड नंबर 27 छुहिया तालाब में है, लेकिन उन्हीं के मोहल्ले वासी के द्वारा किसी ने शिकायत लगाया कलेक्टर ऑफिस में कि प्रधानमंत्री आवास योजना इसको ना दिया जाए, इनके पूर्व में पक्का मकान है करके, जबकि इस बात की मुझे जानकारी ही नहीं थी और मेरे नाम में ही शिकायत लगा दिया गया है। जब मेरे को इस बात की जानकारी हुई कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर मुझे फंसाए जाने की आशंका लगी, तो मैंने भी एसडीओपी महोदय को आकर आवेदन दिया हूँ कि जो मेरे नाम का दुरुपयोग करके फर्जी शिकायत की गई है उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए और प्रूफ के लिए जैसे अगर साक्ष्य करना है तो कलेक्टर ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उस सीसीटीवी फुटेज को जो 26 तारीख की है खंगाला जाए, उस पर पहचान हो सकता है कि यह जो शिकायत फर्जी लगाया गया है गोरेलाल यादव के नाम से, उसको स्पष्टीकरण करें और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की कृपा करें। मैं शिव यादव वार्ड क्रमांक 25 के रहने वाला हूँ और हम मिले प्रधानमंत्री आवास योजना मिले हुए और ओला हमारे ही मोहल्ला के कोई व्यक्ति हुआ है जो देखे नहीं सकते हुए और फर्जी शिकायत करे हुए सूचना के अधिकार में लगाए हुए और जेकर नाम से लगाया हुआ है वो आदमी है बात करे हूँ मैं तो वो कहते कि मैं नहीं करे हूँ और वो आदमी है फिर जाके शिकायत करी से वह थाना में और एसडीएम कर गए हुआ बात करी से वह और वो हुआ मोर करा हुआ है और वो तो नहीं बने और हम उनकर चाहा था कि फिर ओकर ऊपर शिकायत किया जाए धोखाधड़ी के केस लगाया जाए तो आगे कोई आदमी परेशान भी मत कर सके। Thank you.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।